पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों टीकमगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा की मशीन है। उन्होंने प्रदेश में 3,000 से अधिक घोषणाएं की और लगभग सारी अधूरी हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा उनकी सरकार आने के बाद वे जातिगत जनगणना करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में इन दिनों टीकमगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज को घोषणा की मशीन बताते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 3,000 से अधिक घोषणाएं की हैं, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है और घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान और इनके विधायक प्रदेश में लूटपाट कर रहे हैं। वहीं जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी को जानने का हक है कि राज्य में उनकी कितनी भागीदारी है। कमलनाथ ने कहा यदि उनकी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना को किया जाएगा। टीकमगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा सरकार बनते ही प्राथमिकता के आधार पर टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह क्षेत्र में हर दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी कहा कि वह टीकमगढ़ की विकास की गारंटी लेते हैं और उनकी सरकार बनते ही टीकमगढ़ में विकास की गंगा बहाई जाएगी। जनगणना करना बहुत मैं सोचता हूँ आवश्यक है, महत्वपूर्ण। क्यों नहीं होनी चाहिए? हम किस चीज से डर रहे हैं, किस क्या छिपा रहे हैं, ये तो फौरन फैसला करना चाहिए कि जातिगत गणना कर ले। आज हमारे प्रदेश में कितनी विभिन्नता है, बुंदेलखंड को लीजिए, महाकौशल को लीजिए, कितनी विभिन्नता है। विंध्य लीजिए, ग्वालियर चंबल लीजिए, और ये सब बातें जनगणना में सामने आती। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।